लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। अंकल आप लोग कुछ जानते हैं क्या है लोकतंत्र क्या है? 26 जनवरी को क्या होता है पता है कुछ? क्या क्या जानते हो भाई लोकतंत्र के बारे में क्या जानते हो? इधर आ बेटा इधर, तुमको पता है क्या लोकशाही के बारे में क्या जानते हैं? कितना इम्पोर्टेंट है? ठीक है इधर 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 नहीं नहीं तुम लोकतंत्र के बारे में नहीं बोलोगे। कौन सा दिन मनाया जाता है 26 जनवरी? 26 जनवरी के बारे में क्या जानते हैं? 26 जनवरी के मैं इतना ही जानता हूँ, आज तक कोरोना ने जितना बच्चों लोग का ये हो गया, नुकसान हो गया सबको, अभी बच्चों लोग घर में बैठे रहते हैं, बहुत बोर होते हैं, वो स्कूल का पूरा वो भूल गए। इधर आ बेटा इधर, नहीं आजा आपको नहीं बोलना है, और कोई बोल सकता है? तुम लोग बोलोगे? ये देखो क्या देश की आजादी के बारे में बताओ, लोकतंत्र दिवस है कितना जानते हो? लोकतंत्र तो अच्छे के लिए होता है और देश की आज़ादी है सबके लिए अच्छा फायदेमंद चीज़ है, ऐसा है वो। और देश की आज़ादी के लिए बहुत सारे भाई लोगों ने अपने जो की कुर्बानियाँ दिए है, ऐसा है। और इसके लिए जो भी काम करना चाहेगा कोई भी इंसान तो अच्छा ही करना मांगता है, बुराई करेगा तो बुराई साथ में आएगा। लोकतंत्र में जनता की सुनवाई हो रही है आज? आज तो सुनवाई नहीं हो रही, इस वजह से तो जनता परेशान है, ऐसा है। अगर सुनवाई अगर होती थी तो फिर ये परेशानी नहीं आती थी, ऐसा है वो। क्या कहना चाहेंगे आप लोकतंत्र के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? जनता ने जो लोकतंत्र के लिए पाटिंबा देना चाहिए, लोकतंत्र के हिसाब से चलना चाहिए और लोकतंत्र का पालन तंत्र करना चाहिए, ये मेरा कहना है बस। लोकतंत्र दिन बोलेगा तो क्या क्या है वो आम आदमी को नहीं। हाँ लोकतंत्र तो इसके बारे में पब्लिक को, ये जो राजकारणी लोग है वो लोकतंत्र का हिसाब से नहीं, उनका यूज करके नहीं ले रहा है। जिसके पास भैंस उसके पास लाठी है और जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ चल रहा है। लोकतंत्र क्या है? अरे लोकतंत्र से तो हमारा देश चल रहा है। अच्छा, लोकतंत्र से ही हमारा देश चल रहा है। कल तो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस भी है हमारा, तो आजकल तो सरकार भी बढ़िया चल रही है, काम भी अच्छे हो रहे हैं, तो सरकार में कहाँ खराबी है, सरकार भी अच्छी है। अच्छा लोकतंत्र का मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। आपको लगता है जनता की सुनवाई इस लोकतंत्र में हो रही है? जरूर हो रही है, जरूर हो रही है, क्योंकि जो अभी सरकार है, जो अभी सरकार है, देखो आम पब्लिक के हर आदमी तो नहीं सुना जा सकता, पर अगर सबका सोल्यूशन निकल आए तो फिर तो राम राज हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी जो और पिछड़ी सरकार थी उससे तो बेटर है ये सरकार। 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, प्रजासत्ताक दिन। प्रजासत्ताक दिन, प्रजासत्ताक दिन का क्या अर्थ है, क्या महत्व है उसका? 1950 में डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने इस देश को संविधान बहाल किया था, उसके उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। और कुछ? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये देश जनता का है, संविधान जनता का है, जनता की सुनवाई होनी चाहिए। क्या वाकई बाबा साहब ने जो संदेश दिया था लोकतंत्र के जरिए वो पूरा हो रहा है? हमको तो ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। लॉकडाउन के बाद में जो कुछ माहौल है, आर्थिक बोलो या कुछ रोजगार के बारे में बोलो, कुछ भी यहाँ पे ठीक तरह से चल नहीं रहा है। अभी हमारा रिक्शा का धंधा है, पहले हम लॉकडाउन के पहले 1100 1200 1500 तक धंधा करते थे, अभी 500 600 में गुजारा करना पड़ रहा है। आप आओ आओ, हम उनसे लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं, आ जाओ। आप देख रहे हैं लोग भाग रहे हैं, मतलब हम उनसे क्या पूछना चाहते हैं कि 26 जनवरी को एक्चुअली कौन सा दिन मनाया जाता है, उसका महत्व क्या है। और जब हम सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी 70 सालों में ये लोकतंत्र की हालत है कि जिसके लिए ही ये पूरा संविधान बना हुआ है, लोकतंत्र बना हुआ है, वही लोग इसको समझने से दूर भाग रहे हैं, तो इसे एक बड़ी विडंबना कहा जा सकता है। इधर आओ इधर आओ, ये देखो, ये रुको रुको रुको, अरे तुम लोग नौजवान हो, बताओ तो सही, बताओ तो सही। अरे बेटा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये देख रहे हैं, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये हकीकत है उस देश की, जहाँ के नागरिक अपने ही संविधान दिवस को, अपने ही लोकतंत्र दिवस को समझने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, एक बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी चिंता की बात है कि हम अपने देश के बारे में कुछ ना बोल सकें, अपने संविधान के बारे में कुछ ना बोल सकें, उनके बनाने वालों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी ना हो, तो ये
बहुत मुश्किल सी बात है कि आने वाले समय में ये लोकतंत्र मजबूत कैसे रहेगा। मुझे लगता है लोगों को समझने की ज़रूरत है और लोगों को समझना भी चाहिए, क्यों हम और भी अभी लोगों से कोशिश करेंगे। कौन सा दिन मनाया जाता है 26 जनवरी? ना प्रजासत्ता दिन। प्रजासत्ता दिन के बारे में क्या जानते हैं, क्या महत्व है उसका? मतलब अपने सब प्रजा के जो सत्ता है तभी से वो चालू हो गया अपने 26 जनवरी से, ऐसा 15 अगस्त को अपना स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी से अपना सब अपना कानून देश में, हाँ अपना कानून देश में लागू हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ये संविधान जो है, ये लोकतंत्र जो है, वो जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। मैं ये लोकतंत्र की सुनवाई हो रही है, लोकतंत्र में जनता की सुनवाई हो रही है, इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं मेरे उसमें इसके बारे में। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आपको जानकारी नहीं है। अंकल है, इन्हीं से पूछने की कोशिश करते हैं। सर 26 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? अपना 26 जनवरी है ना, 1950 में अपना संविधान उस 1950 से लागू हो गया, इसके लिए अपना देश का संविधान गणतंत्र दिन बोल के मनाया जाता है। हाँ, इसका कितना महत्व आपको लगता है कि अगर ये लोकतंत्र की स्थापना जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख के की, उसके बाद इसका महत्व कितना है? अभी अगर अपना संविधान अगर नहीं रहता था तो पहला कैसे राजा के सर का लोक उनका राज्यशाही चलता था, वैसा ही होने वाला था, इसके लिए अपना संविधान का महत्व है। जनता की सुनवाई हो रही है, जो बाबा साहब ने संदेश दिया था कि जनता की सुनी जानी चाहिए, जनता का ही ये राज है, ऐसा जनता का राज आपको दिख रहा है? अभी तो क्या जनता का लोक अपना लोकशाही है, लेकिन जनता का राज तो कुछ दिख रहा नहीं। लोकतंत्र का मतलब है जनता का राज, और संविधान तो है, लोकतंत्र भी है, लेकिन जनता का राज नहीं है। ऐसी भी एक भावना है कि ये उन लोगों का राज चल रहा है जो पैसे वाले लोग हैं या जो नेता हैं, उनका राज चल रहा है, लेकिन रियल में जनता का राज नहीं चल रहा, ये जनता का कहना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सोचने विचारने वाली चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 26 जनवरी को लोग जानते किस तरह से हैं, लोकतंत्र दिवस को कैसे जानते हैं, 26 जनवरी के बारे में क्या जानते हैं? 26 जनवरी के मैं इतना ही जानता हूँ, उधर देखिए, कि आज तक जो कोरोना ने जितना बच्चों लोग का ये हो गया, नुकसान हो गया सबको, अभी बच्चों लोग घर में बैठे रहते, बहुत बोर होते, वो स्कूल का पूरा वो भूल गए, जो स्कूल में पढ़ाई करते वो पूरा भूल गए। तो 26 जनवरी के वजह से मैं इतना बोल सकता है कि स्कूल चालू होएगा तो बच्चा लोग अपना आज़ादी हो जाएगा। अच्छा, हाँ मतलब स्कूल अगर चालू हो जाएगा, आपको जानकारी दे दें कि आज से स्कूल शुरू हो गया है, हाँ। और बच्चे फिर से स्कूलों में भी जाने लगेंगे, रेगुलर सरकार ने आदेश दे दिया है, तो शायद आपको जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाद में बंद करेंगे, हाँ करना चाहिए, ठीक है ओके, बंद नहीं करना चाहिए, आपका कहना ये है कि बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र का मतलब क्या है? अगर लोकशाही नहीं होती तो क्या होता? अगर लोकशाही नहीं होता तो सब कोई गुंडा लोग जबरदस्ती करता था, कोई मारपीट हो जाता था, जिसका चलता था वो उसका ही चल जाता था, मतलब जो पावरफुल होता था, पावरफुल हो जाता था, जो गरीब लोग है, जो काम करने वाला इंसान है, उसको न्याय नहीं मिलता था, इतना ही बोलने का मतलब है। बहुत सही कहा आपने, अगर लोकशाही नहीं होती तो निश्चित तौर पर सामान्य लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण कराया ताकि सभी व्यक्ति उसकी नज़र में समान हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी संविधान की नज़र में, लोकतंत्र की नज़र में सभी एक समान है, और इसीलिए उसका बहुत ही महत्व है, लोकतंत्र का महत्व है। इसीलिए आप बोलना चाहेंगे, आप आइए, आप 26 जनवरी के बारे में आप क्या बोलेंगे सर? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो संविधान के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं क्या? वो चलना चाहिए, तो कल का जो दिन हम लोग का खुशी का दिन है तो बहुत अच्छा रहेगा। बाबा साहब ने कहा था कि ये देश सबका है, ये लोकतंत्र सबका है, सबकी सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन अंबेडकर नगर के रहवासी मांग कर रहे हैं सुनवाई नहीं हो रही है, तो लोकतंत्र कैसा? हम तो मांग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, हमारे पीछे सोनोनी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी वजह से हम लोग है। आज हम लोग को जो नवी मुंबई के आदमी लोग या जितने भी नागरिक जानते हैं तो सुधाकर सोनोनी साहब के वजह से ही जानते हैं, लेकिन आज का हमारा जो एरिया बनने की तैयारी में है, लेकिन वो ऐसा अभी बनने को मिल नहीं रहा है, हमको जो चाहिए वो हमको नहीं मिल रहा है वैसा। अभी ये अंडर पास के लिए उन्होंने सामने कम से कम 10-15 साल उसके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या जिस प्रशासन के जिस शासन में जनता की सुनवाई ना हो तो वो सही लोकतंत्र कैसे हो सकता है? बराबर, सुनवाई नहीं होगी तो फिर फायदा क्या? सुनवाई तो होनी चाहिए, हम लोग तो बहुत कुछ मांग कर रहे हैं लेकिन वो मांग हो नहीं रहे। अभी भी अंडर पास चालू किया है उधर, अभी देख रहा हूँ तो थोड़ा पानी आया उधर है,
तो फिर वो बराबर हुआ है कि नहीं है, उसके लिए कुछ होना चाहिए। अभी वो अंडरपास के नीचे पानी आएगा, बारिश में तो बहुत दिक्कत होने वाली है, उसके लिए पंप हाउस होना चाहिए, उसके तो जरूरी होना जरूरी चाहिए ना उसके लिए। आपको लगता है MIDC और महानगर पालिका अधिकारियों को लोकतंत्र का नया सबक सीखना चाहिए और जनता की सुननी चाहिए? जरूर, इतना 40-50 हज़ार का हमारा एरिया है, जरूर सुनना चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे फिर, हमको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो नागरिक का तो कुछ सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बोलता है सभी जाने वाले का जो दिन है कल का, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वतंत्र दिन 15 अगस्त को राज्य घटना तैयार करा है, तो आप सभी जाने वाले को वो राज्य घटना जो है तो वो अमल में ला रहा है, लाया है नेहरू आदि गांधी जी ने उसके सुपरद कर दिया है, उसलिए वो संविधान उस दिन से चालू हो गया कल सभी जानवर से है। और वो संविधान पर सब दुनिया चल रहा है, सब जनता चल रही है, उससे आधार पर चल रहा है, ऐसा ना बोला नहीं, ना बोलने का काम नहीं है कि हम संविधान चल रहा है, संविधान के खिलाफ चल रहा है। और संविधान के खिलाफ कैसा चलेगा, उसने राज्य घटना जो बनाया सारे देश के लिए बनाया, आप भी चल रहा है उसके नाम पर चल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भी चल रहा है, ये व्यवस्था जितनी भी चल रही है, ये केवल और केवल बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसी के आधार पर चल रही है। उसके खिलाफ कोई भी जाता है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई होती है और कानून लगता है। बिल्कुल बहुत 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 थैंक यू आपने, बहुत बहुत सही, बहुत सही आपने कहा। और कोई बोलना चाहेगा संविधान के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, 26 जनवरी के बारे में? तुम लोग कुछ बोलना चाहोगे? बेटा तुम्हारी नज़र में क्या है, कल क्या है, 26 जनवरी क्या है? अपना 26 जनवरी का अपना दिन स्वतंत्र हुआ था। अच्छा, अपना देश स्वतंत्र हुआ था? नहीं, अपना देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, 26 जनवरी को अपना संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, लोकशाही दिवस। लोकशाही दिवस ऐसा ध्यान रखना। लोग 2 साल से ऐसे बीमारी निकली, जो पैसे वाले उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बैंक बैलेंस सब कुछ किया, जो गरीब लोग है जो दिन में है ना, उनको काम करने के बाद उनको घर चलता है, लोग है ना बहुत जन गांव चले गए, मुसीबत में है, 100% में से 50% लोग है ना गांव गए, और गरीब लोग इधर 50% है, और जो रोजी रोटी है महंगाई बढ़ा दी है, पहला 500-600 में गैस बाटला मिलता था, अभी 1000 रुपया हो गया, गरीब लोग कैसे करेंगे, बहुत नुकसान गरीब लोग। आप देख रहे हैं आज की इस बातचीत का मकसद हमारा ये था कि हम बच्चों और नौजवानों में ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई वो लोकतंत्र के बारे में क्या जानते हैं, 26 जनवरी के बारे में क्या जानते हैं। और जैसा कि आपने अधिकांश लोगों से देखा, अधिकांश लोग उस प्रमुख मुद्दे पर नहीं बात कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी अनभिज्ञता भी हो सकती है या उनको जानकारी ये नहीं दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जितने साल हो गए इस लोकतंत्र को, अब नए सिरे से नई पीढ़ी के लिए लोकतंत्र के बारे में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हमारी नई पीढ़ी लोकतंत्र के बारे में कोई जानकारी रखने में असंभव रहेगी। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई।